rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring rong, ring. तुम ठीक तो हो ना गोगो? तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हें गोगो बना दूंगी, ठीक है? तुम यहाँ बैठो। रिंग रॉन्ग रिंग, ये बॉल गोगो बन जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। माची कहाँ से आ गई? ये साइकिल अपने आप कैसे चल रही है? अरे ये तो मेरे पास आ रही है। अरे पकड़ो, अरे बचाओ। ये माची के पीछे क्यों जा रही है? गोगो रुको। हे भगवान, रिंग रॉन्ग रिंग, ये साइकिल फिर से गोगो बन जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। नहीं मासी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, प्लीज दो ना। तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। पर क्यों? मैंने कहा ना। अरे प्रणाली, प्रणाली रुको, ये आइसक्रीम मत खाओ। अरे प्रणाली बंटी रुको, अरे रुको, बेचारा गोगो पिघल जाएगा। भाग प्रणाली, भाग। आइसक्रीम, अरे रुक ना, रुक रुक रुक। मैं क्या कह रही थी? वो कौन? हाँ हाँ जानती हूँ, कौन कौन आ जाता है तेरे घर पर मेहमान बनकर। उनकी एक फरमाइश पूरी नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। और तू भी ना मानसी, इतनी स्वीट है कि सब की फरमाइश पूरी करती रहती है। और खुद को देख जरा, कितनी टेंशन में लग रही है। मैं टेंशन में नहीं हूँ भाभी। मुझसे मत छिपा, सबसे बड़ी टेंशन तो तेरे लिए वो बिंदु है। वो आइसक्रीम खानी चाहिए। ऐसे में तुझे आइसक्रीम जरूर खानी चाहिए, दिमाग ना ठंडा रहता है। चल चल मेरे घर पर चल, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। भाभी मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है, मुझे बंटी से आइसक्रीम लेनी है। रुको, अगर इसे आइसक्रीम नहीं खानी है तो ये बच्चों से आइसक्रीम छीनना क्यों चाहती है? देखा प्रणाली, कैसे मैंने मासी से आइसक्रीम उड़ा ली। बंटी, यू आर सो शार्प। अगर गोगो होता वो तुम्हारे तरफ भाग भी नहीं सकता था। अगर वो होता तो हमारे हाथ में आइसक्रीम आने भी नहीं देता, सब खा जाता। वैसे आइसक्रीम बहुत क्यूट है ना, और ठंडी भी। प्रणाली, आइसक्रीम ठंडी होती है। ओ हाँ बंटी, चलो खाते। हाँ चलो। बंटी, बंटी अगर तुमने आइसक्रीम खाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंटी मुझे लगता है कि मानसा आंटी बहुत गुस्से में, अब तू ही खाए, मुझे नहीं खाना। तू एक मिनट यहीं पे रुक, मैं अभी आया। रुको बंटी, आइसक्रीम कहाँ गई? बंटी, बंटी, बंटी जल्दी से आइसक्रीम दो, जल्दी। तुम वो आइसक्रीम खाओगे? नहीं मासी, मैंने आइसक्रीम खाई नहीं, मैंने उसे कहीं छुपा दिया। हे भगवान, वो पिघल जाएगा। कौन पिघल जाएगा? आइसक्रीम पिघल जाएगा, पिघल जाएगी। कैसे पिघलेगी मासी, मैंने उसे फ्रिज में जो रखा है। फ्रिज में? मासी आप इतनी सी आइसक्रीम के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान कैसे ना हूँ, वो आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं गोगो
है? गोगो है? मतलब वो आइसक्रीम गोगो के लिए है। चलो जाओ गोगो को ढूंढ के आओ। जाओ छोड़ो ना मासी, एक मामूली सी आइसक्रीम के लिए गोगो को क्या ढूंढना। कहा ना गोगो को ढूंढ के आओ तो जाओ। बेचारा गोगो। हे भगवान, इससे पहले कि कोई और आ जाए मैं इसे गोगो बना देती हूँ। रिंग रॉन्ग रिंग, ये आइसक्रीम राज भाई साहब और बिंदु भाभी का बेटा गोगो बन जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। गोगो, गोगो तुम ठीक तो हो ना? तुम काम क्यों रहे हो? आंटी आप फ्रिज में घुस कर देखो, आप भी काबिल लोगोगी। अगर थैंक्स आंटी, आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे सही वक्त पर बाहर निकाला और मैं गोगो बन गया। आंटी आपने देखा ना कि मैं फुटबॉल बन गया था, पुराने दंगल तो मुझे मार ही डालते। मैं अभी मम्मी को जाकर बताता हूँ कि मैं सबसे पहले फुटबॉल बन गया था, उसके बाद साइकिल और उसके बाद आइसक्रीम। नहीं गोगो नहीं, गोगो। भगवान, एक कहानी खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये रिंग भी ना। गोगो 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 आज गोगो मिला तो नहीं ना? समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं उसे। अब तो लगता है पुलिस में खबर करनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा गोगो। अरे बेटा गोगो को ढूंढ रहे हैं, गोगो खो गया है, गोगो मिल नहीं रहा है। भाई साहब चुप रहिए। गोगो बेटा, बेटा तुम कहाँ थे? तुमने कुछ खाया भी नहीं। अरे भाभी और कितना खिलाएंगी उसे, रहम खाइए उस पर। मेरा मतलब है पहले उसे ये पूछिए कि वो था कहाँ। हाँ गोगो कहाँ था तू सुबह से? पापा मैं आप लोगों के सामने था, आप लोगों ने मुझे पहचाने नहीं, मैं फुटबॉल बन गया था। बन गया था? आप चुप रहिए भाई साहब, बोल गोगो कहाँ था तू? मम्मी मैं सच ही कह रहा हूँ, पहले मैं फुटबॉल बन गया था, उसके बाद साइकिल और उसके बाद आइसक्रीम। बेटा देखो क्या है कि जो बोल रहे हो ना तो डिसाइड करके बोलो, जिंदगी में बोलने से पहले डिसाइड कर लो। अंकल मैं सच ही कह रहा हूँ, आप चाहे तो आंटी से पूछ लो। मानसी भाभी मैं क्या बताऊँ, ये तो छोटा सा बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन राज एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये तुम्हारा ही बेटा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ इतना कहानियाँ बनाता है, इसे बिग स्टोरी टेलर लायर है। गोगो एक तो सुबह से गायब हो और वापस आके कहानियाँ सुना रहे हो। आज से तुम्हारी कॉमिक्स कार्टून सब बंद। मम्मी मैं सच से कह रहा हूँ, मैं फुटबॉल बन गया था, उसके बाद साइकिल। Got it! अरे भैया क्या कॉन्सेप्ट है, फुटबॉल से लेकर साइकिल तक का क्या ट्रांजिशन है। फिल्म का टाइटल होगा फुटबॉल बनी साइकिल। वाह। चुप कर डड्डू, बच्चा ठीक कह रहा है, मैंने भी देखा एक साइकिल अपने आप चलते हुए, मैंने भी देखा था। मतलब हैंडल पे किसी के हाथ नहीं थे? ओफो माँ जी, ये तो बच्चा है लेकिन आप तो समझदार हैं। अगर आप ऐसी बातों पे विश्वास करेंगी तो ये तो और बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा? आप चुप रहिए भाई साहब, मैं उससे अपने तरीके से पूछती हूँ। बहू जी मेरी चाय मेरे कमरे में दे दे। जी माँ जी। ज्यादा मारिएगा मत इसको। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। माँ जी आपकी चाय। बहू जी ये जो चल रहा है ना घर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई? तेरा बिंदु को घर में मेहमान बना के लाने का फैसला ही गलत था। जब से आई है शोर शराबा भाग दौड़ उधम मचाया हुआ है जी। और उसका वो पति राज, अरे वो तो मुझे ही सिखाने की कोशिश कर रहा था भाई, मैं सच ही तो बता रही थी उसे। जी माँ जी वो तो नहीं। बहू बहुत हो गया तेरा अतिथि देवो भव, जल्द से जल्द बिंदु इस घर से जानी चाहिए। जी माँ जी, माँ जी चाहे। बाऊजी, बाऊजी कहाँ चले गए? बाऊजी क्या है बहू? बाऊजी आप ये जलेबियां कहाँ से लाए? तूने ये पूछने के लिए बुलाया मुझे बहू? नहीं बाऊजी, बाऊजी मैं बहुत परेशान हूँ, बाऊजी मैं क्या करूँ, ये बिंदु भाभी तो। मुझे पता है बहू, मैं अगर चाहूँ तो तेरी प्रॉब्लम को एक मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि तू अपनी समस्याओं को हल करना कब सीखेगी अपने आप, ताकि मैं आराम से जलेबियां तो खा सकूँ। बाऊजी मैं धीरे धीरे ना सब सीख जाऊंगी, फिलहाल आप ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कीजिए प्लीज।
अच्छा बता, बिंदु यहाँ पर क्यों है? क्योंकि उनका घर पेंट हो रहा है। और अगर उसका घर पेंट हो जाए तो वो चली जाएंगी। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाऊजी, अब आप देखना मैं कैसे सब ठीक करती हूँ। मुझे ना सबसे पहले बिंदु भाभी का घर पेंट करवा देना चाहिए। बहू जी, वर्जी आओ, यू होल्ड हो जी, आबरा कदाबरा। बाऊजी, ये बिंदु का सामान पैक हो गया, अब तो अपना काम कर। ठीक है बाऊजी। रिंग रॉन्ग रिंग, बिंदु भाभी का घर पेंट हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। बाऊजी कमाल है, थैंक यू बोलने का मौका तो देते ही नहीं है। भैया, जो हम देख रहे हैं तुम भी वही देख रहे हो का? हाँ रे बिरजू, ये तो पूरा का पूरा घर पेंट हुई हमारे। लेकिन कैसे? या तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा तेजी से काम किया है, या फिर हम दोनों की कल की अभी तक उतरी नहीं है। अरे छोड़ो भैया, का फर्क पड़ता है भैया, अपने काम तो यही गवाना। अरे वो तो है, अरे तो फिर चलो ना। अरे चलो, फिर पैसा ले बात है। चलो चलो। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने कार्टून फिल्म देखी तो। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा मैजिक मैंने कोई भी कार्टून में नहीं देखा। अबे तुम लोग घर की पेंटिंग छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? साफ पेंट हुई गवा। घर पेंट हो गया? सच? इनका घर पेंट हो गया? पेंट हो गया। अरे वाह, अरे भाभी सुना आपने, इनका घर पेंट हो गया, ये भी चले जाएंगे। क्या? इनका घर पेंट हो गया? इतनी जल्दी कैसे? ईमानदारी से, मेहनत से और लगन से। ईमानदारी, मेहनत, लगन से? तो क्या आप लोग ब्रश इस्तेमाल नहीं करते क्या पेंटिंग के लिए? नहीं नहीं साहब जी, बिरजू के कहने का मतलब है ना कि हम लोगों ने इतना जल्दी काम किया है कि काम बहुत जल्दी खत्म होगा। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि आराम से। अब मेरा मतलब है आराम से, मन लगाकर अच्छे से काम खत्म करना। अब तुम जाओ यहाँ से, चलो निकलो। घर पेंट हो गया है तो क्या डिसाइड किया है? आज जाओगे या कल जाओगे या आज? हाँ। आज नहीं भैया, आज नहीं, अभी अभी अभी, अभी। हाँ। अभी। अब देखिए ना, हम नहीं चाहेंगे कि बिंदु भाभी को कोई परेशानी हो, गोगो की पढ़ाई पे फर्क पड़े। अब हम उनके पड़ोसी हैं तो हम तो उनका भला ही चाहेंगे, है ना भाभी? हाँ वो तो है। बाय गोगो। ए, क्या भाई, इतना सारा पैकिंग है, इतना सारा सामान है, कैसे करूंगी मैं? कम से कम 4-5 दिन लगेंगे पैकिंग में। अरे नहीं नहीं भाभी, आपका सामान तो पैक है। बिंदु? हाँ मैंने देखा, हॉल में रखा हुआ है। मेरा सामान पैक किसने किया? आंटी हमने तो कोई जादू नहीं किया, आपने ही पैक किया होगा। बिंदु तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे तुम पर शक होगा। तुम इतना काम कब से करने लगी? जस्ट शट अप राज, तुम्हारे पेंटर्स ने 7 दिन के आराम पे पानी फेर दिया। चल चल। अरे चल। बाय। वो क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। आप सब आए, हम सबको बड़ा अच्छा लगा। टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। हमें उम्मीद है कि जब कभी आपके घर में पेंटिंग, पेस्ट कंट्रोल एवं वाटर शॉर्टेज होगी, आप हमारे घर में अवश्य आए। हम सब तो यही कहते हैं, अतिथि देवो भव। मेहमान जो हमारा होता है। फेयरवेल की स्पीच बहुत लंबी हो गई है। स्पीच लंबी हो रही है? धन्यवाद भाभी जी। वैसे तो मैं जल्दी से किसी की तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। आपके हाथ में जादू है और आप ना मुझे। थैंक यू भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि इधर मत जाना, रोक मत लेना। इस बार नहीं रोकेंगे, इस बार नहीं रोकेंगे। गोगो अपनी फुटबॉल ले जाना। हाँ मेरे पास कोई फुटबॉल नहीं है, मैं खुद ही फुटबॉल बन गया था। भाभी एक रिक्वेस्ट है, इस बच्चे का खाना कंट्रोल कीजिए, इसमें अभी से फुटबॉल बनने की फीलिंग ही आ रही है। आप चुप रहेंगे भाई साहब जी? अब चलो राज। हाँ। या मानसी के हाथ का बना हुआ डिनर भी करना है तुम्हें यहाँ पर, चलो। ये रिची, बाय। मासी मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या मासी? मेरे पास तो कोई फुटबॉल नहीं है,
और गोगो के पास भी नहीं है, तो ये फुटबॉल आई कहाँ से? बंटी तुम ना फालतू बातें मत सोचा करो, जाओ अपना होमवर्क करो जाओ। भाऊजी बाल बाल बच गए। राज 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 राज, मानसी के घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे जब से आयो अजीब सी चीजें हो रही है। उस दिन क्रिसमस ट्री पे फूल लगे हुए थे, किसी क्रिसमस ट्री में फूल देखे तुमने? और उस दिन सारी फ्रेंड्स के लिए एक सेकंड में खाना बना दिया। अरे कोई माइक्रोवेव एक सेकंड में खाना बनाता है क्या? और उस बाथरूम में इतने सारे टॉल्स। तुम भी ना गोगो की माई हो, चलो। एक मिनट, मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये चक्कर क्या है। बहू तू थक गई होगी, जा सो जा। नहीं माँ जी मैं नहीं थकी हूँ, थोड़ी देर और। वैसे आज का दिन भी कितना अजीब था नहीं? वो बिना ड्राइवर वाली साइकिल तो मेरे दिमाग में घूम रही है। कितना अजीब सीन था, सियापति रामचंद्र की जय। जी माँ जी। पता नहीं मुझे ना आजकल रोज ही ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ कुछ अजीब हो रहा है। तुझे भी ऐसा लगता है? जी माँ जी। है ना? नहीं माँ जी मुझे ऐसा नहीं लगता है। पता नहीं मुझे तो लगता है। माँ जी आपकी उम्र में ना कई बार ऐसे लगने लगता है जैसे। बस तू जाके सो जा, मैं भी सो रही। बंटी हाँ। क्या ढूंढ रहे हो? मासी आपने मेरी फुटबॉल देखी? अब नहीं। अगर आपको मिलती है ना तो मुझे प्लीज दे देना, क्योंकि मुझे वो फुटबॉल बहुत पसंद थी। अच्छा ठीक है। वैसे आप ये कुशन कवर्स क्यों चेंज कर रहे हो मासी? क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। ओ यस न्यू ईयर, इसका मतलब पार्टी, बहुत सारे लोग आएंगे, म्यूजिक फन डांस या हो। कोई मजा नहीं होगा। इस बार का न्यू ईयर हम शांति से मनाएंगे आपस में, हम सिर्फ 6 लोग। पर हमारी फैमिली में तो सिर्फ 5 ही लोग हैं, छठा कौन है? क्यों तुम बाऊजी को भूल गए? वो भी तो फैमिली मेंबर है ना। इस बार का न्यू ईयर फैमिली ईयर होगा, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। अरे भाई साहब आप कहीं जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं भाभी, आ रहे हैं। वो जो मेरी बिंदु है ना भाभी, बिंदु जी फूल की तरह नाजुक है। घर का पेंट क्या हो गया उसे ही पेन हो गया। क्या हुआ भाभी को? अरे उसे पेंट की स्मेल से एलर्जी है ना, बेहोश होते होते रह गई, बीमार पड़ने वाली थी। ओहो तो भाई साहब आप अब जब तक पेंट की स्मेल नहीं जाती हम लोग यहीं रहेंगे आपके साथ। क्या? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।